तो फ्रेंड आप देख रहे हैं इस खूबसूरत वादी को। इस वक्त मैं मारकुंडे के खूबसूरत वादियों में खड़ा हूँ, जहाँ की हरियाली आप देख रहे हैं, जो आपको मंत्र मुक्त कर देगा इसकी खूबसूरती। और इसकी सारी खूबसूरती हरियाली से भरी हुई है। आप किधर देखेंगे चारों हरियाली हरियाली। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसकी स्थिति को, इसकी दशाएँ को, इसकी खूबसूरतियाँ को। ये सामने हाईवे आप देख रहे हैं जो अन्य शहरों से आती है, और ये रास्ता आप देख रहे हैं टेढ़ी मुढ़ी, और ये सीधा अन्य शहर की ओर चला जा रहा है ऊँचे ऊँचे पहाड़ी से होते हुए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है इस पर सफ़र करना इस मार्ग पर, या स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं। और सामने की इसी पहाड़ी के ऊपर आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ, नीचे की मैं जैसा दिखा रहा हूँ कितने नीचे इस वक्त मैं हूँ, लगभग 100 फुट से ऊपर हाई होगी इसके ऊपर मैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं पूरी सोनभद्र का, बड़ा ही खूबसूरत हरियाली में नज़ारा है, शानदार इलाका। यहाँ जब भी आए एक बार रुक करके यहाँ अवश्य ही सेल्फी फोटोग्राफी आप कर सकते हैं इसी खूबसूरत वादियों की। और सामने आप जो देख रहे हैं वह पहाड़, वह कैमूर पर्वत कहा था, कैमूर पर्वतमालाएँ की श्रेणी है, जो हम लोकल में यहाँ के लोग लोकल भाषा में फड़वा पहाड़ कहते हैं। जो आपको दिख रहा है ऊपर नीले रंग का, वह खूबसूरती, वह उसकी अनोखी विशेषता है। इस सावन में लोग वहाँ पर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए उसके ऊपर में, और वहाँ भी शिव जी के मंदिर है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ होता है इस हाईवे का। तो मैं इस मारकुंडी की खूबसूरत नज़ारा अपने कैमरे में कैद करता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। देखते हैं चारों खूबसूरत वादियाँ, नज़ारा, शानदार इलाका। चलिए मैं आगे और भी इसकी विशेषताओं को बताता हूँ इस मारकुंडी पहाड़ी का। तो फ्रेंड आइए चल के मैं दिखाता हूँ इस मारकुंडी पर कैसी खूबसूरत झरनाओं को, जो कई प्रकार की झरनाएं यहाँ बह रही है, जो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उस झरने को। तो ये आप देख रहे हैं ये झरना है, जो साल भर लगभग साल के 9 महीने यह पानी बहता है। लोगों ने पाइप इसे लगा दिया है दिखाने के लिए, ताकि पानी इसका उपयोग हो। आप जितने गाड़ी वाले, ट्रक वाले और भी देख रहे हैं, तो सारे लोग इसे खाना पकाना, पीना, रहना कहते हैं। ये पानी जो है पूरी पहाड़ से कई प्रकार के हजारों पेड़ों से होकर गुजर कर यह आती है, इसलिए पानी बड़ा अमृत कहा जाता है। इस पानी का मैं भी उपयोग करूं, मैं भी अपने मुंह पे डाल लूँ सब, ठीक है। देख लो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, पानी बिल्कुल अमृत दिख रहा है, बड़ा ही खूबसूरत। और ये पानी लगभग साल के 9 महीने बहती है। गर्मियों में ये पानी बड़ा ही उपयोग हो जाता है, काम आता है उन लोगों के लिए जो इस मार्ग पे चलते हैं गरम गरम। तो और अभी और भी झरने को देखिए, देखिए साइड भी कई प्रकार की खूबसूरत झरनाएँ बह रही हैं आप देख रहे हैं, जो सब राहगीरों के लिए गर्मी में काम आती है। जब पानी यहाँ नहीं होता तो ये पानी हो गया, ये रहा झरना। और ठीक इसी के सामने अपोजिट भी है सड़क, और सामने आप देख रहे हैं मंदिर, जहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं, हजारों की संख्या भीड़ होती है, विवाह आयोजित की जाती है। उस वक्त यह पानी बड़ा ही काम आता है लोगों के लिए पीने के लिए, उस गर्मी में, उमस भरी गर्मी में यहाँ के जानवरों के लिए बड़ा उपयोगी होता है यह पानी। यह नज़ारा है हमारे का, और आगे यह मार्ग से मैं अभी आगे की ओर बढ़ूँगा, चलूँगा और आगे मैं आपको दिखाऊँगा कई और खूबसूरत वादियों को, सिस्टमों को, तरीकाओं को, जानकारियाँ आपको मैं दूंगा यहाँ की। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, या इस इलाके की या इस घाटी की ये चौथा बहुत बड़ा जलप्रपात खूबसूरत इलाका है। आप देख रहे हैं लोग झरने में नहा रहे हैं, अपने आप को शरीर को साफ कर रहे हैं। कहते हैं कि इस झरना में नहाने से सारे शरीर की कमियाँ दूरियाँ वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये झरना आप देख रहे हैं समान रूप से मारकुंडी का यह खूबसूरत झरना है, जो यहाँ आए दिन पिकनिक का कार्यक्रम होता रहता है, आयोजन होता रहता है, ताकि लोग आते हैं भीड़ों की भीड़ की संख्या में, हजार लोग खाना बनाना, खाना सारे सिस्टम इसी पानी से करते हैं। कहते हैं इस पानी में बड़ा ही अमृत है। आप देखें दूर दूर तक देख रहे हैं सारे लोग, जहाँ ऊपर को नीचे स्नान किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्वच्छ जल है, बिल्कुल निर्मल जल है, पानी इसी भी पीते भी हैं। और आप खूबसूरती
जाकर देख रहे हैं, ये सामने बीर लोरी स्मारक मारकुंडी का प्रवेश द्वार कर ले। मारकुंडी में प्रवेश करने के लिए ये सामने पहाड़ी खूबसूरत इलाका, हरियाली आप देख रहे हैं।